चलो जी, ये बल्ले और ये बल्ले की चाट हमने बनाई है। हमारे बहुत ही प्यारे एक सब्सक्राइबर हैं, मित्र हैं हमारे, उनकी स्पेशल फरमाइश स्पेशल रिक्वेस्ट पर, जिनका नाम है मिस्टर गुरदीप सिंह। ठीक है जी, उन्होंने कल हमारी रेसिपी देखी थी एक, तो उन्होंने कमेंट किया कि भाई जी होली स्पेशल दही बल्ला चाट की रेसिपी बताओ। तो मैं लो जी हाजिर तैयार है आपके लिए। तो गुरदीप सिंह जी रेसिपी तैयार है, बनाइए खाइए, होली पर एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली, होली आप सभी को मुबारक हो। चलो जी, होली हो और दही बल्ले ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सारा स्वाद ही अधूरा रह जाएगा। क्योंकि सारे दिन होली पर चिकना ही खाते हैं, तला भुना खाते हैं और फिर पेट होता है गड़बड़। तो उसके बाद तला भुना खाने के बाद अगर एक प्लेट दही बल्ला मिल जाए बढ़िया ठंडा, तो सारा जायका बन जाता है, ज़्यादा सारा स्वाद बन जाता है। तो इसीलिए हमने आज नए तरीके से आपको बल्ला बना रहे हैं, होली पर बल्ले बनाकर बता रहे हैं। इसके लिए हमने ज़्यादा लिए है मूंग की धुली दाल और कम लिए है उड़द की धुली दाल। वैसे क्या होता था कि उड़द की दाल ज़्यादा ली जाती थी, मूंग की दाल कम ली जाती थी, लेकिन हम नए तरीके से बना रहे हैं जिनसे बहुत ही बढ़िया बल्ले बन के तैयार होंगे। तो ये है मूंग की दाल ज़्यादा, मतलब एक बड़े कटोरी, और ये है उड़द की दाल एक छोटी कटोरी। दोनों धुली हुई लेनी है, छिलके वाली नहीं लेनी है। इनको अच्छी तरीके से धोकर और इनको पानी से भिगाकर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम हो, कम से कम 4 घंटे तो भिगा ही लें। क्योंकि मूंग की दाल है ये थोड़ा भिगने में ज़्यादा टाइम लेती है, उड़द की दाल तो 2 घंटे में भी भिग कर सही हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको हम भिगाएंगे कम से कम 4 घंटे। ठीक है जी, पहले इनको करते हैं धुलाई। तो लो जी, दोनों दाल धोकर हमने पानी डालकर भिगा दिया है। इनसे पानी ऊपर ज़्यादा ज़्यादा भरते हैं, इसमें थोड़ा कम है पानी, अभी और डालेंगे, पूरा ऊपर लेवल तक कर देंगे, क्योंकि ये फूलेगी तो डबल होगी दाल। और ये सही है, इसका लेवल सही है। इसी प्रकार आपको अच्छी तरह धोकर दोनों को भिगा देना है। 4 घंटे इस दाल के लिए ज़रूरी है, मूंग की दाल के लिए, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। और अगर रात को भिगाओ और सवेरे बनाओ तो और बढ़िया है। ठीक है जी, इसी प्रकार आप ढक्कन लगाकर अब इनको छोड़ देते हैं हम 4 घंटे के लिए, फिर दिखाते हैं आपको। तो लो जी, लगभग 4 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है हमारा इन दाल को भिगाए हुए। अब ये देखिए फूल के, देखो डबल हो चुकी है। इसी प्रकार ये दाल भी फूल का डबल हो चुकी है, इसी प्रकार करना है आपने। ये देखिए, अब इसका ये पानी निकालकर एक बार और धो लेंगे दोनों दालों को, और इनका पानी निकालकर मिक्सी के जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। और देखो, मूंग की दाल हमने धोकर पानी निचोड़कर और जार में डाल लिया है। अब इसका बनाएंगे एक फाइन पेस्ट, अलग अलग दोनों दालों का बनाएंगे, क्योंकि ये दाल ज़्यादा है। ठीक है जी, तो एक ही जार में दोनों दालों को डालेंगे तो पीसने में दिक्कत होगी। तो पहले इस दाल को हम फाइन पेस्ट बनाते हैं पीस कर। तो देखो जी, ये दाल हमने पीस ली है मूंग वाली, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बर्तन में। इसमें अब इसी में डालकर उड़द वाली दाल को भी पीस लेंगे। देखिए, दाल डाल ली हमने इसके अंदर और इसी में पीस लेंगे। धोने मांजने की कोई जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि दोनों दाल एक ही में मिक्स होनी है पीसने के बाद। तो लो जी, देखो उड़द की दाल भी हमने पीस कर इसी में मिक्स कर दी है। इसी प्रकार आप दोनों दालों को पीस कर मिक्स कर लें। अब इनको फेंटना है अच्छे तरीके से, जितना बढ़िया तरीके से आप फेंट लोगे इनको, जैसे जैसे आप इस दाल को फेंटते जाओगे बढ़िया तरीके से कम 8-10 मिनट फेंटना है आपको। हाथ से फेंटो, करछी की सहायता से फेंटो, किसी से भी फेंटो, लेकिन फेंटना एक ही साइड में, ऐसे ऐसे मत करना, एक ही साइड में फेंटते रहना आपको 5-7 मिनट तक इस प्रकार। तो ये दाल फ्लफी हो जाएगी, बबल्स भर जाएंगे इसके अंदर, तो ये फूल कर और दुगनी हो जाएगी और हल्की हो जाएगी एकदम। अभी ये गाढ़ी दाल है और भारी है, भारीपन है इसमें। ठीक है, अगर ऐसी दाल के हम भल्ले बनाते हैं तो क्या होगा कि अंदर से सख्त हो जाएंगे, गांठ पड़ जाएगी अंदर। ठीक है, और जितना आप इसकी फ्राई कर लोगे उतने ही भल्ले एकदम हल्के मुलायम बनेंगे, अंदर गांठ खोटली कुछ नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इसी प्रकार आपको कम से कम 7-8 मिनट, 10 मिनट तक फेंटना अच्छे तरीके से, एक ही साइड में कच्छी को या हाथ को घुमाते हुए। तो लो जी, दाल हमने अच्छी तरह से फेंट लिया, देखिए, और बिल्कुल व्हाइट कलर की दाल हो गई, पीली पीलापन था। और फेंटने का यही निशानी है कि जब भी मूंग की दाल को आप फेंटोगे तो जितना ज़्यादा फ्राई करोगे उसका कलर बदलता जाएगा और वो व्हाइट कलर में हो जाएगी। ठीक है, दाल हमने फेंट लिया, कम से कम 10 मिनट फेंटा, इसको चेक कर लेते हैं फिटाई सही हुई है नहीं। चेक करने का तरीका वही है पुराना जो सबको बताता है। ये लो जी, देखो बिल्कुल ऊपर है। तो अब दाल हमारी फेंट चुकी है, रेडी हो चुकी है एकदम। इसको निकाल के फिर डाल देंगे इसी में, दाल में मिक्स कर देंगे। और आपको बताएं, कम से कम 10 मिनट जरूरी फेंटना है, मूंग की दाल है ये। अगर उड़द की होती तो उसे 4-5 मिनट भी फेंट लेते तो वो परफेक्ट फिटाई हो जाती है उसकी। तो अगर आपको जैसे थकान हो जाए फेंटते हुए, हाथ थक जाए, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, 2-4 मिनट, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट करके फेंट लें 2-3 बार में। फिटाई अच्छी तरह करनी है, बस कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा फेंटोगे उतना ही ज़्यादा मुलायम बल्ले बन के आपके तैयार होंगे। ठीक है, बैटर हमारा रेडी हो चुका है बल्ले बनाने का। देखो, फूल के दाल भी दुगनी हो चुकी है फिट के, जैसे फिटाई की है इसकी। अब इसको करते हैं सेकना शुरू करते हैं, बल्ले बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पानी हमने ले लिया है ये, जो हाथों ने काम आएगा हमारे तोड़ के, और जब कढ़ाई में डालेंगे तो हाथ इसी में धोए जाएंगे। ठीक है जी, लो जी, कढ़ाई हमने रख दिया, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, साथ में छलनी रख ली है थाली लगा के नीचे, जो बल्ले निकाल के रखते जाएंगे तो इसमें तेल उसका निचुड़ता जाएगा। और ये बैटर हमारा तैयार है, और देखो पानी ले लिया हमने साथ में। अब इसमें एक चीज़ और डलेगी, वो हम दिखाते हैं आपको, ज़रूरी चीज़, जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है बल्लों के अंदर। सेकना स्टार्ट करने से पहले
आप 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, बैटर में, और इसको मिला देंगे, सबको मिक्स कर देंगे। जीरे से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है बल्लों के अंदर। जैसे जीरा आया करेगा दांतों में खाते वक्त, तो उसका जो स्वाद आएगा जीरे का, वो इसके बल्ले के फ्लेवर को, स्वाद को 4 चांद लगा देगा, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लें। तो तेल हमारा गर्म होकर रेडी हो चुका है जी, देखो इस प्रकार। आँच ज़्यादा तेज गर्म होनी चाहिए, लो पहले लो आँच पर हमें बल्ले डालने हैं सेकने के लिए, और उसके बाद मीडियम करनी है। इस बात का ध्यान रखें, तेज आँच में डालोगे, जैसे ही बल्ला डालोगे ऊपर ऊपर मतलब फ्राई हो जाएगा, सिक जाएगा और पकौड़े निकल जाएंगे उससे, और अंदर से रहेगा कच्चा या गांठ पड़ जाएगी तेज आँच में। बिल्कुल लो आँच में डालने हैं हमारे को बल्ले सेकने के लिए, और धीमे धीमे फिर आँच बढ़ानी है बाद में। इस प्रकार पानी में हाथ डुबोना, आप पानी में हाथ गीला करके, पानी में हाथ गीला करके, और फिर हल्के हल्के जितने भी आप मतलब बड़े साइज में या छोटे साइज में बनाने बल्ले, वही चीज़ तोड़ तोड़ के इसमें डालते जाएंगे आप, ठीक है। इस प्रकार 2-4 बल्ले डालकर फिर पानी में हाथ डुबोना है, जिससे कि ये तोड़ने में आसानी रहे, हाथों में बैटर चिपके नहीं। ये देखो, जब सारे बल्ले डाल दोगे आप कढ़ाई के अंदर, फिर मीडियम आंच करनी है आपको। और अब ये लटना पलटना नहीं है, चाहो तो अगर देखो अगर कोई चिपका हुआ है नीचे, तो किसी चक्कू वगैरह की सहायता से हल्का सा ऐसे छुड़ा दें इसको, हल्का सा, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये देखिए, जब देखोगे ये पक्के हो चुके हैं थोड़े थोड़े, तो एक बार पलट देंगे इनको इस प्रकार, और आप आँच कर देंगे फुल हाई फ्लेम कर देंगे आँच को, जिससे कि अच्छी तरह करारे हो जाएंगे। और जब ये करारे हो जाएंगे ब्राउन कलर के, हल्के से निकाल के चलनी में रख देंगे तेल निचोड़ने के लिए, और फिर दूसरा घंटा डाल देंगे। इसी प्रकार अलटते पलटते हुए सेकें हाई फ्लेम पे, जब आँच को तेज कर दोगे ना, तो ऐसे अलटते पलटते सेकें, पड़े ना रहने दें ऐसे, ठीक है जी। यही हलवाई वाली ट्रिक है, हलवाई वाले नुकते यही हैं कि उनके भले बनते हैं अलग तरीके के, दाल एक ही होती है, और घर में बनाते हैं तो वो बनते हैं अलग तरीके के। तो देखो जी, बल्ले हमारे बन के सिक्के रेडी तैयार हो चुके हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और हमने आँच कर दिए लो अब इसी स्टेज पर, और इसको जब तक ऐसे 2-4 बार और लाएंगे ना, तो तेल हमारा ठंडा हो जाएगा। जो अगले घान के लिए हमें ठंडा तेल चाहिए, वो तरीका यही है कि निकालने से पहले से 4-6 बार इस प्रकार पलटते पलटते रहें, तो तेल अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा तेल का, ठीक है जी। और इस प्रकार बल्लों को निचोड़ के निकाल कर, निचोड़ कर, और अपनी जाली में निकाल देंगे। ये देखो, ये निकाल लिए हमने बल्ले, और अब दूसरा घान डालेंगे। जब वो सिक्के तैयार होगा, तो जब तक ये थोड़े ठंडे हो चुके होंगे, तो इनको पानी में डाल देंगे हम, और उस वाले घान को निकाल कर जाली में रख देंगे। फिर उससे अगला घान जो बनेगा, जब तक वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको भी पानी में डाल देंगे। यही तरीके से डालना है आपको पानी के अंदर, ठीक है जी। लो जी, अब पानी हमने कर लिया गुनगुना, ये देखो हल्का सा गुनगुना पानी रखना है आपने, और इसके अंदर अपने सारे बल्ले जो हमने सेक रखे हैं अभी पहला धान, वो डाल देंगे, और आराम से हाथ से एक बार एक दो बार इसको ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है जी, और छोड़ दो। और जब तक हमारा दूसरा धान निकल के रेडी होता है, जब तक इनको भीगने दो, और इसी प्रकार सारे सेक सेक कर डालते जाएंगे पानी के अंदर, भीगते जाएंगे। और जब पानी में भीग के फिर देखना आप, ये जो साइज है ना इसका, ये डबल हो जाएगा। ये जो बल्ला है हमारे, ये देखो किस साइज का है, ये फूल कर उसके अंदर पानी के अंदर डबल हो जाएगा, और बस पानी से निकाल कर इसको रख देंगे। कितने बढ़िया बल्ले बन के तैयार हुए हमारे, दही बड़ा भी बोल सकते हो, दही बल्ला भी बोल सकते हो। अभी तो ये खाली दाल के बड़े हैं, ठीक है जी। देखो पानी निकाल के दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए, और ये देखो जी, तोड़ के दिखा देते हैं आपको हम, ये देखिए जी किस प्रकार खिले खिले अंदर से, हमारे बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुए हैं, देखिए किस प्रकार खिले खिले हुए, ठीक है जी। सारे बल्ले इसी प्रकार बनेंगे आपके बढ़िया। तो इनको निकाल देते हैं पानी में से, और रखते हैं दूसरे बर्तन में। लो जी, पानी में से निकाल दिए हैं बल्ले हमने सारे, देखो कितने सारे बन के तैयार हुए हैं, और कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं, ये देखिए आप। तो आप करते हैं प्लेटिंग, बनाते हैं 1 प्लेट बल्ला चाट। ये बल्ले डाल देंगे हम प्लेटों में, जितने भी आपको डालने हो, 2, 4, 5, 6, 7 जितने भी डालने हो डाल सकते हो आप, ये आपके ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार बल्ले लेंगे आप, और इस पर डालेंगे चाट मसाला। अब जाएगा गाढ़ा वाला दही,
अब मीठी वाली सौंठ, फर्स्ट क्लास स्वादिष्ट, थोड़ी थोड़ी हरी चटनी, धनिया पुदीने वाली, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, अब स्वाद अनुसार नमक। तो लो जी, बन के तैयार है हमारे भल्ले, और साथ में भल्ला चाट। खाइए भल्ला चाट, ये देखो जी कितने बढ़िया भल्ले बन के तैयार हुए। आप वो वाला हिस्सा भी देख सकते हो, बड़े आराम से कट गया, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट भल्ले बने हमारे। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।